कंटेंट हर जगह है, ऑनलाइन कंटेंट हर जगह फैल रखा है, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, वेबसाइट्स पे इतना कंटेंट है, तुम किसी के ऐप में चला जाओ इतना कंटेंट है, पर तुम सब कंटेंट है तुम्हारे पास फिर भी तुम नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि शेड्यूल नहीं होता है यार। इंसान इसलिए तो कोचिंग ज्वाइन करता है शेड्यूल के लिए। शायद पिछले 2 महीनों में लॉकडाउन में तुमने ट्राई किया होगा, सबसे बड़ा तुम्हारे पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया होगा शेड्यूलिंग। तुमने सोचा होगा हम 5-6 दिन में ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, 5-6 दिन बाद चैप्टर का दूसरा पन्ना चौथा पन्ना पढ़ो। तुमने कहा 10 दिन में खत्म कर लेंगे, 10 दिन बाद तुमने देखा यार चैप्टर हुआ ही नहीं है ना, फिर 4-5 पन्ना करके बैठे हुए हो। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है चैप्टर, तो तुमने सोचा कि इसको 7 दिन या 8 दिन में निपटा देंगे। अब 7-8 दिन बीत गए ना, तुम्हारे पर कोई प्रेशर ना, सामने से कोई क्लास चल रही ना, तुम्हें कोई टोकने वाला ना शेड्यूल, तुमने सोचा ये वीडियो कल देख लेंगे, ये वीडियो कल देख लेंगे, अब हम कल पढ़ लेंगे। तुमने ना उसका कोई टेस्ट दिया, ना तुमने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, ना ही तुमने उसको रिवाइज किया, कुछ नहीं किया, तुमने किसी से इंटरेक्ट ही नहीं किया उस चैप्टर को लेके। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासेस, फ्री क्लासेस एंड अ डेडिकेटेड लाइव बैच। ये डिफरेंस आएगा शेड्यूलिंग। आप मेरे पे ट्रस्ट करना आंख बंद करके, और मैं आपको गाइड करते हुए ले जाऊंगा रिजल्ट की तरफ। बस आपको जो मैं बोल रहा हूँ करते जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला 12 दिन में अपन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड खत्म तो खत्म, मैंने बोला ये 10 दिन में ये चैप्टर खत्म तो खत्म। फिर ये नहीं होगा कि आप 12 दिन बाद कह रहे हो नहीं ये नहीं हो पाया, और लाइव बैच में लाइव ही आना है। हाँ, कई बच्चे बोल रहे हैं सर आपने लाइव बैच का टाइम क्या रखा है, आपने 4 बजे रखा है, 4 बजे मेरे को शीतल से मिलने जाना। शीतल कौन है, लॉकडाउन में भी मिल रहे हो, 4 बजे मुझे बाबू शक्का मतलब जिससे भी मिलने जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कोई बात नहीं आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, वही लेक्चर रिकॉर्ड होकर पड़ जाएंगे, पर फिर उसमें फील नहीं आएगा, ये तो है ही है। पर कभी कभी तो चलता है ना, कभी हुआ तुम्हारे घर में बबीता की शादी है, सुषमा की शादी है, तुम सुषमा की शादी में चले गए, बबीता की शादी में चले गए, तब क्या करोगे, तो उस दिन तुम उसी क्लास की रिकॉर्डिंग देखो।